हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज दीपावली है और दीपावली की मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुबह उठ गई हूँ, आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि ये दुकान पे भी जा चुके हैं, तो मैं अभी पूजा करके आई हूँ। बस मैं जरा भगवान जी को सब नए कपड़े पहनाए, लड्डू गोपाल जी को गला बड़ा ख़राब है, लड्डू गोपाल जी को, साईं बाबा जी को, सबको नए कपड़े पहनाए हैं, पहना के बस अभी आई हूँ। तो अभी पूजा करी है, अब करूँगी पेट पूजा। तो मैंने कहा चलो पहले आपको गुड मॉर्निंग करते हैं। तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ये देखो गाइस, ये लड्डू गोपाल जी के, ये साईं बाबा जी के कपड़े मैं शिरडी से लेके आई थी, माला भी शिरडी से लेके आई थी और ये इनकी ड्रेस भी बहुत सारी लेके आई थी शिरडी से। आज मैंने ये वाली ड्रेस इनको पहना दिया, माला बिल्कुल मैचिंग है और लड्डू गोपाल जी की तो सेम एक जैसी ड्रेस है इनकी भी, और इनकी भी मजेंटा कलर की है। वैसे मेरे बालों पे ना कलर लगा हुआ है, मगर मेरे दिल में आ रहा है कि चल बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा कलर हट रहा है तो मैं कलर लगवा लेती हूँ। अभी बजे हैं एक, तो 2:30 बजे खाना खाने आते हैं तो 1.5 घंटा लगेगा। मैं फटाफट गाइस कलर लगवा के आ रही हूँ, थोड़ा सही लगेगा। बस अभी अभी मतलब 1 बजे के करीब चीना और मैं गए थे रजौरी गार्डन, तो कोई ब्लॉग नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। तो रजौरी गार्डन गए थे क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि कॉकटेल में मैं कुछ और पहनने का इरादा था, तो जब देखा सब ड्रेप साड़ी पहन रहे हैं तो फिर मैं भी फटाफट ड्रेप साड़ी लेके आई हूँ वहाँ पर। तो उसके साथ की चूड़ियाँ लेनी थी या वो कड़े लेने थे उसके साथ के इयररिंग्स लेने थे, वो सब लेके मैं सीधा दुकान पे आ गई। तो इन्होंने कहा मैं खाना खाने घर चला जाता हूँ, तो मैं अब दुकान पर बैठी हुई हूँ, खाना खाने गए हैं, ये चाय पी के आ जाएंगे, मेरी बनाएंगे और मैं जाके पी लूँगी चाय। तो बस ये हुआ है कि अब प्रोग्राम चेंज हो गया, यानी कि कपड़े बैठे बिठाए एक दिन में, कितने दिन से फाइनल था मैं ये पहनूंगी, बस सबके ही ड्रेप साड़ी की वजह से मेरी भी चेंज हो गया। मैं भी रजौरी जाके फटाफट मुझे वो लानी पड़ी। तो गाइज आप बताना, आप सबके कमेंट आ रखे थे कि आंटी अब साड़ी पहनो, तो मैंने कहा चलो आप लोगों का भी कहना माना जाए तो मैं ड्रेप साड़ी कॉकटेल पर अच्छी लगती। तो मम्मा रेडी हो चुकी है जाने के लिए, मम्मा ने करनी है पूजा और यहाँ कन्नू बैठा हुआ है फ़ोन शिफ्ट करने के लिए, कह रहा है कि मैं आपको फोन दे दो, ये तो ऐसे ही फोन चेंज करता ही नहीं है अपना। हाँ मैं अपने वाला फोन इसको दे रही हूँ ना। तो गाइस मैं बिल्कुल नाइट सूट में बैठी क्योंकि आज तैयार तो हमें होना नहीं, लेकिन मम्मा ने शॉप पे जाना था तो मम्मा ने सूट पहन लिया। थोड़ी देर के लिए आ जाए शॉप पे, तो आके भाई लक्ष्मी गणेश की जो पूजा होती है, जो आरती है वो कर देती है थोड़ा बहुत। ठीक है, दुकान पे जा गाइज। आज दिवाली वाले दिन महंत आए थे हमारी दुकान पे, तो इन्होंने कहा कि हमने दिवाली नहीं मनानी है, तो भाई हमारे भाई की डेथ होगी, मम्मी की डेथ होगी, तो कहता तेरी कृतिका के घर लड़का हुआ है उसकी दिवाली दे। तो इन्होंने कहा भाई हमने नहीं मनानी, करनी है। तो कहते हैं अच्छा इस पर जो सेट लगा देखो, ये खाली है गाइज, ये खाली है, तो ये सेट ही उतार के ले गए। कह रहे कोई बात नहीं, तू नहीं कुछ दे रहा तो ये सेट ही दे दे, सेट पहन लूंगी। मैंने बोला था मैं गोलू आएंगे हमारे घर तो हम आपको बुलाएंगे, दे देंगे। गोलू आएगी तो बुलाएंगे, बुलाएंगे। मैंने बोल दिया, वो कह रहे जब गोलू आएगी कोई बात नहीं, बहुत पता नहीं टाइम मिलता है। यहाँ पर ये सेट, ये देखो गाइस यहाँ से बहुत अच्छा सेट था, अमेरिकन उसका था, अमेरिकन डायमंड का ना। हाँ वो कहते यही दे दे पहन के मैं खुश हो जाऊंगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी तो दुआई लग जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी तो दुआई लगती है। और ये देखो पूजा कर रहे थे, ये देखो पूजा करते करते इनको ये छाला पड़ गया गाइस, अग वो धूप बत्ती लग गई है, वो भोग लगा रहे थे माता रानी को, लक्ष्मी माता को भोग लगा रहे थे, तो देखो हाथ ही इनका जल गया। हाँ कोई बात नहीं, चलो घर जाके ना वो जली हुई ट्यूब जो जल जाता है जब, ट्यूब नहीं होती वो पड़ी हुई है मेरे पास, तो वो मैं ट्यूब लगा दूंगी। ठीक है, अब पूजा कर ली है तो बस आप दुकान बढ़ा के आ जाना, तो मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जाके फिर मंदिर की मैं भी तैयारी करती हूँ पूजा की। ठीक है, हाँ जो समाप्त हो तो फिर आप, ऐसे हम दुकान छोड़ भी नहीं सकते ना जब तक मतलब की ज्योत वगैरह जल रही हो कुछ हो, हाँ तो नहीं छोड़ सकते। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इनका गला दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा 2-3 दिन ऐसे ना हो दुकान ना खुले, कोई केमिस्ट वगैरह की कुछ है, तो सामने भैया से मैं इनके लिए दवाई लेके आई हूँ। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं दवाई खाऊंगा तभी ठीक होगा, नहीं तो शादी में जाके ये गड़बड़ ना हो जाए। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा,
एक दंत दयावंत चार भुजधारी मोदक का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा दीन निकिला ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन प्रकाशनी भवन की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती सह सब गुणे आता मैया सह गुणे लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञना। ये देखो गाइस ये लग रहा है शादी वाला घर क्योंकि कल है मेहंदी। सारे आउटफिट हमारे सारे आ गए हैं, सब रख दिए हैं इसके अंदर। सब शादी के हैं और मेहंदी की है, कॉकटेल के हैं, सब कपड़े हैं इसके अंदर। और कोको बिल्कुल आराम से यहाँ बैठी हुई है और पूछी को मैंने बिल्कुल अंदर बंद कर दिया कमरे के अंदर क्योंकि कोको तो बिल्कुल नहीं भोंकती मगर पूछी जो है बहुत ज़्यादा भोंकती है, बहुत ज़्यादा भोंकती है पटाखों से। और हम करने जा रहे हैं वहाँ पर पूजा तो इसलिए मैंने इनको अंदर बंद कर दिया। दोनों अंदर बैठेंगे, मैं चीना कन्नू और इसके पापा वहाँ करने जा रहे हैं लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आरती। बस मैंने मंदिर को सारा सजा दिया, प्रसाद वगैरह सारा रख दिया है। ये बैठे हैं कि बस कब ललता बोले और हम आरती करें। ये भी देखो कन्नू को भी देख लो गाइस। मैंने कहा तूने कहीं जाना है, कहता जाऊंगा जब आरती हो जाएगी तभी जाऊंगा। चीना को देखो सूट पहन के बैठी हुई है। हाँ देख लो गाइस मैंने इसको अपना फोन अब दे दिया है और मैं आज नए नए फोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये वाला जो सीन है जो जो लाइन कार्ड दो। ये देखो गाइस मंदिर, ये बस ये लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी यहाँ है साईं बाबा जी ने भी यहाँ नए कपड़े पहने हैं और माता जी को भी। बस मंदिर को पूरा सजा दिया है। ऊपर भी गाइस देखो साईं जी की पालकी है, ये हम शिरडी से लेके आए थे, इसको भी पूरा मैंने सजा दिया है। मम्मी आ गई, कितने बम पटाखे बज रहे हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। मस्त कैमरा है, बहुत ज्यादा आएगा। मम्मी इसका कैमरा बड़ा मस्त है, साफ सुथरा। करने एक बार वो करते हैप्पी दिवाली, समझ गया? वेट गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। बस लगता है मम्मी देखो दिखाई करना, मम्मी को दिखा आज बहुत ज्यादा बम पटाखे बज रहे हैं, बहुत ज्यादा बज रहे हैं। कोको पूछी इतना डर चुके हैं, पूछी तो भोंकी जा रही है, चुप ही नहीं कर रही। अब बड़ी मुश्किल से शांत हुई है कि वो थक गई है, मगर कोको इतना कांप रही है गाइस। ऊपर वही इशू आया मुझे, कह रहा है, कहता मम्मा इसको देखो ये तो कांप ही जा रही है, बुखार तो नहीं है? मैं कहा नहीं बुखार भी नहीं है इसको, कहता बम से कांप रही है क्योंकि जो हमारी गली के बाहर है ना बम बहुत ज़्यादा बज रहे हैं और मोटे मोटे बम बजा रहे हैं लोग और पॉल्यूशन भी बहुत हो रखा है, कमरे में बहुत धुआं धुआं हो रखा है। तो अब लोग तो हैं बम बजाएंगे ही, मगर इन बेचारे कोको बुची को क्या पता कि भाई ये तो बस इतना डर रहे हैं कांपी जा रही है। आज मैं इसको रोटी दे के, अब पता रोटी भी खाते हैं नहीं खाते, अब ये भी नहीं पता कि इनको प्यार से हाथ से खुद ही खिला के खुद ही सुला दूंगी। अब किस तरह ये बम पटाखे थोड़े से तो कम हुए हैं, अभी भी बज रहे हैं मगर थोड़े से कम हुए हैं। अब 11:30 हुए हैं यानी कि 12:30 तक ये बंद हो जाएंगे। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं गाइस। देखो पूछी डर के मारे मेरी गोदी में बैठी हुई है और भोंकना नहीं है। बस चुप। बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और बस कल सुबह हमने जल्दी उठना है, पूजा के घर में मेहंदी है, मेहंदी की रस्म है, तो 8 बजे तो भैया आ जाएंगे, मतलब कि पूजा को मेहंदी लगाने के लिए। तो हम 8 बजे तो नहीं जाएंगे, वही लगवा ले तो हम 9:30-9:30 तक पहुंच जाएंगे उसके घर। तो हम भी जाके मेहंदी लगवाएंगे, सुबह मेहंदी लगा देंगे क्योंकि फिर जितनी जल्दी लगाएंगे उतनी जल्दी सूखेगी, फिर रात को कॉकटेल में भी जाना है। तो इसलिए जब तक अब 12 कितना टाइम हो गया, हाँ 12:15 बजने वाले हैं। बस
आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं और सभी लोगों को दीपावली की मेरी तरफ से दोबारा से शुभकामनाएं। और कल है धनतेरस, वैसे कल कह रहे हैं धनतेरस नहीं है, कल आधा दिन दीपावली है और अगले दिन धनतेरस है। अब ये मुझसे पूछ रहे थे धनतेरस कब है, मैं कहा मुझे तो नहीं लगता कल है, ये तो परसों ही होगा धनतेरस। और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।